Thank you. मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान पीयूष गोयल जी, हमारे नए वित्त मंत्री श्रीमान संतोष गंगवार जी, श्री जी श्रीधर जी, प्रवीण शेखर पंड्या जी, बलराम जी गर्ग, सुबीर सेन, जीतूभाई भिंडी, बथराज जी बामलवाल जी और देश भर से आए हुए सारे हीरे, मैं जानता हूं मैं कहां आया हूं, क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सरकारों को झुकाया है। आप वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी सरकारों को कदम वापस लेने के लिए मजबूर किया है। लेकिन झुकना वहां होता है जहां जंग होता है। हम तो जंग के लिए नहीं निकले थे, हम तो आपको जीतने के लिए निकले थे। और मुझे खुशी है कि हमने आपको जीत लिया है और आपने हमें भी जीत लिया है। देखिए, एक्साइज का मसला पहले भी आया और आप लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया, सरकारें डर गई। अच्छा, हर एमपी आपका क्लाइंट होता है, तो आपको सरकार पर दबाव डालने के लिए कोई डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं। उस एमपी के यहां गए और रोज का नाता रहता है आपका। लेकिन उसके कारण क्या हुआ, सरकारें डर गई और सरकारों ने चीजें वापस कर ली और मामले वहीं के वहीं रह गए। मैं समझता हूं कभी कभी कोई चीज एक लंबे अरसे का अच्छा काम भी कर देती है। इस बजट की एक्साइज ड्यूटी ने पहली बार आप लोगों को यह समझाने के लिए मजबूर किया कि सरकार क्या होती है, क्योंकि आप सरकार नहीं जानते थे, आप सिर्फ एक्साइज ऑफिसर को जानते थे और गलती वहीं से होती है। आपको लगता था कि एक्साइज अफसर को मिल लिया तो बात हो गई, ठीक है, अब सरकार बदल चुकी है जी। पहली बार आपको पता चला सरकार क्या होती है और पहली बार सरकार को पता चला कि इस व्यवसाय में कितनी बारीकियां हैं, कितनी कठिनाइयां हैं। और मैंने जब अफसरों से बात कर रहा था, मैं पूछता था उनको कि भाई ये जो विषय इंडस्ट्री की तरफ से आया है क्या पहले ध्यान में नहीं था क्या? नहीं, बोले साहब कभी ध्यान में नहीं आया। यानी ऐसी संवादहीनता और इतने बड़े क्षेत्र के लिए, ये अपने आप में सरकार के लिए अपने आप में झोंकने के लिए काफी मात्रा में है। और इसलिए इस बार की एक्साइज के निर्णय ने, ये ठीक है कुछ आपका खर्चा हुआ होगा, एडवर्टाइजमेंट डेली पड़ी होगी, आंदोलन करने पड़े होंगे, पुतले जलाने के लिए पेट्रोल लाना पड़ा होगा, बहुत कुछ करना पड़ा होगा, लेकिन इस खर्चा करने के बावजूद भी फायदा यह हुआ, सरकार और आपके बीच में गहन संवाद हुआ
और लोकतंत्र की यही ताकत है जी, लोकतंत्र की यही ताकत है। आपको भी अपनी बात अपने तरीके से रखने का पूरा हक है और सरकार को आपकी बात को समझने का भरपूर प्रयास करने की जिम्मेवारी है। अगर ये हमने पहले ही डर गए होते एमपी के कहने पर मान लिया होता तो फिर कोई सरकार आती कभी 25 30 साल 40 साल के बाद, तो फिर उसको आपकी याद आती, फिर वो 1% 2% लेकर के आ जाती, समस्या का समाधान ही होता है। आपको लगा होगा कि मोदी झुकता नहीं है, मोदी अड़ा रहा, मोदी ये नहीं, सवाल मोदी का नहीं है जी, सवाल समस्याओं का समाधान करने का है। इसलिए हमने कमेटी बनाई, कमेटी में आपके लोग रहे, आपके हर पहलू को सुनने का प्रयास किया गया है और इसके कारण भविष्य में भी सरकार जब भी कुछ निर्णय करेगी ये सारे पहलू ओवरऑल देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब जैसा जीतू भाई बता रहे थे कि 28 फरवरी को बजट आया और 3 मार्च को आ गए तो मोदी जी को मिल लिए और कहते हैं भी पहले कोई मिलता ही नहीं था। देखिए सरकार आपकी है, ये द्वार आपके लिए हमेशा हमेशा खुले हैं, आपको अपनी बात नाराजी से भी रखने का अधिकार है जी, क्योंकि अगर सरकार संवाद नहीं करती है, संवाद नहीं होता है तो समस्या का समाधान ही नहीं होता है। और अच्छा हुआ कि एक्साइज भी रही और समस्याओं का समाधान भी हुआ था, पता नहीं एक्साइज अब सब वो ठीक है, पुराना अनुभव है आपका और इसलिए आपको डर लगना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन ये बदली हुई स्थिति में अब आपको भी मजा आएगा कि चलो भाई नियमों से रहने का कितना बड़ा आनंद होता है, रात को कितनी गहरी नींद आती है। ये जो भय का माहौल था वो हमने खत्म कर दिया है। मैंने बीच में अफसरों के साथ एक मीटिंग की थी, तब भी मैंने कहा था हम नागरिकों को नेशन बिल्डिंग के पार्टनर समझे, करदाताओं को हम चोर न समझे, ये मेरा साफ मत है। लेकिन ये बात सही है कि अपने यहाँ क्या क्या चलता है आपको भी मालूम है, अच्छे अच्छों को जेल जाना पड़ा है मुझे याद है, इस सरकार में अभी वो शुरू नहीं किया है, मैं तो पुरानी बात बता रहा हूँ। तो हमारे में कुछ लोग हैं जिसके कारण बदनामी आती है, लेकिन ये आवश्यक है। जैसा प्रवीण जी उदाहरण दे रहे थे सूरत का, एक समय सूरत की भी वही छवि थी जी, लेकिन उन्होंने सभी कानून नियमों का पालन करते हुए अपने आप को आधुनिक बनाया और उसके कारण आज दुनिया के साथ लोहा ले रहे हैं वो लोग, आप भी ले सकते हैं जी और मैं आपके साथ खड़ा हूं। दुनिया में ज्वेलरी मार्केट इतना बड़ा है जी, उसका ग्रोथ इतना है, उसकी तुलना में हम बहुत पीछे हैं जी। विश्व में एक चीज की बहुत बड़ी मांग है और जिसकी पूरी ताकत हमारे पास है, लेकिन हम मैच नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया में हैंडवर्क मैनुअल ज्वेलरी उसका बड़ा क्रेज है, मैं सही बोल रहा हूं ना,
मुझे आपके व्यवसाय में नहीं आना है, चिंता मत करो। मैं जब गुजरात में था, मैं ज्वेलरी वालों से लगातार मिलता था। मैंने ज्वेलरी के स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट चालू किया था, क्योंकि मुझे पूरा मालूम है कि इसकी इतनी ताकत है। हमारे यहाँ मैन मेड ज्वेलरी में गुरु शिष्य परंपरा है। बहुत कम क्षेत्र हैं जिसमें गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें एक ज्वेलरी है। सोनार के यहाँ जो काम करने वाला होता है, भट्टी चलाने वाला, वो धीरे धीरे सोनार बन जाता है। गुरु शिष्य परंपरा वहाँ है, और उसके कारण कुछ अच्छा भी हुआ और कुछ रुकावट भी आ गई। गुरु जितनी चीजें जानता था, शिष्य को इतनी मिल गई, उसको लगा चलो एक पीढ़ी निकल गई। नया करना, नया खोजना, नए प्रयोग करना, उसका एलिमेंट बहुत कम रहा, और उसके कारण वैश्विक क्षेत्र में हम लुढ़क गए। हमारे पास हजारों साल की विरासत है, एक क्षेत्र ऐसा है हजारों साल की विरासत है। सोना कैसे निकाला जाता था, ये चीजें हमारे यहां वेदकालीन ग्रंथों में पाई जाती है। तो हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए के पूर्वज ही तो होंगे वो क्या करने वाले। इतनी बड़ी पुरानी विरासत हो और विश्व में हमारा दबदबा ना हो, ये चुनौती हमको स्वीकार करनी चाहिए। हम किस प्रकार से नए डिजाइनिंग पर जाएं, हम किस प्रकार से क्वालिटी प्रोडक्ट, जीरो डिफेक्ट जिसको कहें, क्वालिटी प्रोडक्ट, और आज प्रोडक्ट के साथ सस्टेनेबल होने की जरूरत है। वरना जो चीजें आती हैं बढ़िया दिखती हैं और कुछ महीने में चली जाती हैं, तो उसको एक नया प्रकार का टैग लगता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं। हम चाहते हैं भाई ये भारत का है, अरे भाई आंख बंद करके ले लो, बढ़िया है, ये होना चाहिए। मेक इन इंडिया इस बात से सफिशिएंट नहीं है कि यहां पर काम होता है और यहां पर रोजगार होता है। उसका एक स्टेज वो होना चाहिए जब दुनिया को पता चला मेक इन इंडिया, अरे भाई चलो आंख बंद करो ले लो, यह ब्रांड है उठाओ। ये क्रेडिबिलिटी पैदा करने के लिए इनोवेशन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इनोवेशन के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। स्किल डेवलपमेंट मिशन जो चला है सरकार का, मैं चाहता हूं कि जेम्स एंड ज्वेलरी के लोग स्किल डेवलपमेंट के काम में पार्टनर बने। हम सिलेबस वो तैयार करें जो जेम्स एंड ज्वेलरी के लोगों का विजन हो, और मैं मानता हूं सरकार में जो लोग बैठे हैं उससे ज्यादा इसमें आपका विजन ज्यादा अच्छा और स्पष्ट होगा कि हाँ इस समय की मांग है, ऐसा चाहिए। और आप जो यूनिवर्सिटी की बात करते थे, ऑलरेडी बड़ौदा में स्किल यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जेम्स एंड ज्वेलरी के लोग उनके साथ जुड़े, उनके साथ अपना सिलेबस बनवाएं, आपको जैसा चाहिए वैसा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए पूरी सुविधा होगी। और ये मैं सहमत हूं कि दो चीजों पर बल, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और दूसरा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए सूरत में डायमंड ने दुनिया में अपना डंका जमाया, उसका कारण एक है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में कोताही नहीं बरती। उन्होंने हर बार नई चीज आई, अगर उनको लगा कि भाई डायमंड कटिंग में इतनी तकलीफ होती है और किसी ने लेसर टेक्निक से डायमंड कटिंग की व्यवस्था खड़ी कर दी, तो उन्होंने एडॉप्ट कर ली तुरंत। और हमारे यहाँ होम ग्राउंड पर वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जिसको स्वीकृति मिली। और कहने का मतलब है कि हम लोग अगर चाहें तो सब काम कर सकते हैं जी, सब काम कर सकते हैं। ये बात सही है कि भारत में गोल्ड ये सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ गया है, और उसके कारण किसी के घर में गोल्ड पड़ा भी होगा, गहने पड़े होंगे, साल में एक दो बार पांच बार पहनने का मौका आता है, वो डेड मनी के रूप में पड़ा रहता है। उसको किस प्रकार से राष्ट्र के विकास में जोड़ना, उसके लिए स्कीम बनाई है।
आप भी प्रेरित कर सकते हैं आपके क्लाइंट को, कभी कुछ जाने वाला नहीं, वहां रखो तुम, जब जरूरत पड़े ले आना। उसके कारण देश की इकोनॉमी को बल मिलता है, और ये देश की इकोनॉमी को बल मिले उसमें हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सुविधाएं जो भी खड़ी करनी होगी, जहां भी खड़ी करनी होगी, ये सरकार स्पष्ट मानती है कि सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने का एक क्षेत्र है जो अभी भी अनटैप्ड है, उसके पोटेंशियल से हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम डोमेस्टिक मार्केट में इतना बड़ा मार्केट है कि हमको नया करने का मन ही नहीं करता है। हमारा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा, 125 करोड़ लोग हैं। अगर साल में 2 करोड़ भी शादियां होती हैं तो आपका तो पांचों उंगली घी में क्या है। इसलिए आपको मन नहीं करता है कि विश्व मार्केट की ओर देखें। आपसे मेरा आग्रह है कि आप डोमेस्टिक मार्केट के सीमित विचार से बाहर नहीं आएंगे तब तक ब्रेक थ्रू नहीं होगा जी। ये ठीक है कि डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, आप कि उसको भी शायद आप पूरा नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो शायद डोमेस्टिक मार्केट को अपने आप बाय प्रोडक्ट के रूप में सर्व कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और उसके लिए जो आवश्यक है उसको सोचा जाएगा। अब आपने आज तो तारीफ ही तारीफ कर दी है, तो कल अखबार में कुछ नहीं छपेगा। कुछ इधर उधर की बात बोलते तो छप जाता कुछ। मैं इसको एक अवसर के रूप में पलटना चाहिए, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ना चाहिए। प्रवीण जी ने बाद में कहा कि ब्लैक मनी से मुक्ति लेनी चाहिए, कम से कम तालियां उस समय पड़ी। मैं सच कहता हूं और मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को भी कहना चाहता हूं, हम क्यों ये बोझ पाल करके बैठे हैं जी। चैन से सो जाना, नींद आना, इससे बड़ा जीवन का ये इनकम टैक्स अफसरों का डर काहे का, ये सरकार का डर क्यों? ये स्थिति बदलने का सबसे बड़ा उपाय है 30 सितंबर के पहले जो भी है डिक्लेयर कर लो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 30 सितंबर के बाद किसी की भी नींद खराब हो, मैं नहीं चाहता हूं जी। मैं 125 करोड़ देशवासी सुखचैन की नींद सोए ये चाहता हूं जी, और मैं उस पाप को करना नहीं चाहता हूं जो 30 सितंबर को मुझे करना पड़े। इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं, और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आप आसानी से बता दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे जुड़े रहते हैं। मुझे जो ये एसोसिएशन के लोग, इतना हुआ जी कि आप लोगों ने खुलकर के सब बातें बताई, वरना सरकार को कोई बताता नहीं है। जब ये लहरी कमेटी बनी तो आपके लोग मिलने के आए तो कहते थे, साहब हमारे यहाँ तो लोग ठेले में पैसा लेके आते थे, हमको कहाँ डालते हो इसमें। अरे काफी सच बता दिया आप लोगों ने। इसका मतलब है कि आप उन सबको जानते हैं, तो मेरा संदेश पहुंचा दीजिए ना। क्योंकि ये आप ही का क्षेत्र है कि जहां उसको सबसे ज्यादा सुविधा है, उसके बाद जमीन वाले हैं, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दुनिया है, आप सबसे पहले हैं।
तो आप मेरी मदद करेंगे, देश की मदद हो जाएगी। तो आपने देखा होगा संवाद से कितना फर्क आता है, हम आराम से अपनी कठिनाइयां बता सकते हैं। और अब आप इतना छोटा क्या मांग रहे हो प्रवीण जी? वो कह रहे मंत्री, एक मंत्री क्या देगा, एक डिपार्टमेंट है, एक मंत्रालय है। अरे पूरा प्रधानमंत्री रख लो यार। देखिए देश के विकास के लिए, मेक इन इंडिया के लिए और ग्लोबली आपका सामर्थ्य बढ़े इसके लिए ये सरकार हमेशा आपके साथ है, प्रधानमंत्री स्वयं आपके साथ है। और इसलिए छोटे मंत्रालयों में मत उलझिए जी, मैं खुद आपके लिए बैठा हूं। लेकिन मैं आपको निमंत्रण देता हूं, देश अब पुराना जो जैसा आप करते थे अब छोड़िए, उन चीजों को बहुत हो चुका है जी, अब क्या जरूरत है। अब एक नए नियम बने हैं, नई व्यवस्था बनी है और अच्छाई के लिए बनी है, देश के विकास के लिए बनी है। हम सब मिलकर काम करें, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आपने आज मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कभी किसी को दिक्कत हो ये हम सोच ही नहीं सकते जी। और मुझे खुशी है कि आपने सरकारी व्यवस्था को स्वीकार किया और इस स्वीकृति का मूल कारण विश्वास है। शायद इस सरकार पे भी आपका भरोसा न होता तो आज भी आप पुतले झलाते रहते होते, काम नहीं होता। लेकिन ये हुआ इसलिए कि आपका सरकार पे विश्वास है और लोकतंत्र में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है। जनता का शासन के प्रति, शासन का जनता के प्रति, ये विश्वास ही तो है जो हमें जोड़ता है। और हम जब जुड़ते हैं तो कुछ करने के लिए जुड़ते भी हैं। और मुझे विश्वास है कि हम देश के लिए बहुत कुछ करने का संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।